YouTube family, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज आपको हरी हरी ये धनिया पुदीना नज़र आ रहा है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी, जो कि बहुत मज़े की होती है। फ्रेश हम धनिया पुदीना ले रहे हैं। आपको पता है कि पुदीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और बीपी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप ये खाएं खाने के साथ, तो बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ हम यहाँ ले रहे हैं धनिया हम ले रहे हैं 4 गड्डी और पुदीना हम ले रहे हैं 3 गड्डी, क्योंकि पुदीने की जो तासीर होती है वो तेज़ होती है, इसलिए हमने पुदीने की क्वांटिटी कम कर दी है और धनिया की ज़्यादा रखी है। इसके अलावा हमें यहाँ क्या चाहिए, हम यहाँ ले रहे हैं एप्पल सीडर हमें को चाहिए 1 प्याली के लिए। इसके अलावा हम यहाँ ले रहे हैं हरी मिर्च, ये तकरीबन है 8-9 हरी मिर्च चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन के जवे हमें चाहिए कोई ऑलमोस्ट 12-13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने पुदीने अलग करनी है, पुदीने के सिर्फ हमें पत्ते चाहिए। मैंने अलग करके इनको एक दिन पहले मैंने वॉश कर लिया था, फिर इनको ड्राई किया है। अब ये देखिए मैंने पत्ते निकाल लिए अलग से, और यहाँ पे जो है ना धनिया मैं इसकी टहनी के साथ ही मैंने इसको काट पीट के, और इसकी मैंने टहनियाँ नहीं डाली। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें हमने डालने हैं पुदीना, ये चीज लगा गया है पुदीना इसमें। इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी धनिया, इसमें चला जाएगा जी एप्पल सीडर, जो कि हमने लिया था 1 प्याली तकरीबन। एप्पल सीडर के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन के जवे। तो स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं एक चुटकी तकरीबन नमक ऐड कर रही हूँ उसमें, और बंद कर देती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसको हम अब सर्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे हरी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, और खाने में भी बहुत मतलब खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है इसका। और मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये देखें
तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग रोटी के साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए, इसको रख दीजिए, आप एक वीक के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना एप्पल सीडर है तो वो ख़राब नहीं होता। इसको आप एक हफ्ते के लिए रख दें, मेहमानों के सामने भी आप सर्व कर सकते हैं, और बाकी ये जो है ना आपका खाना हजम करने के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है, आपके डाइट के लिए बहुत अच्छा है, और इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।